मैं एक हेल्थ कॉन्शियस वर्किंग प्रोफेशनल हूँ और मैं ये स्ट्रॉन्गली मानती हूँ, यू आर व्हाट यू ईट। मुझे आज भी याद है बचपन में मैं जब अपने नाना नानी के घर जाती थी और उनके खुद के फार्म से जो उनका फार्म प्रोड्यूस आता था, यानी कि दाल, चावल, सब्जियाँ, दूध, घी, उसमें जो स्वाद और सबसे इम्पोर्टेंट जो पोषण होता था वो आजकल नहीं मिलता। इनफैक्ट आजकल जो खाने वाली चीज़ों में अडल्ट्रेशन, केमिकल रेसिड्यू, एंटीबायोटिक्स, हॉर्मोन्स, ये बहुत आम बात हो चुकी है। तो क्या इन प्रॉब्लम्स का कोई सोल्यूशन है? बिल्कुल सोल्यूशन है, जिसका नाम है हम्पी A2। ये हम्पी A2 क्या है? हम्पी A2 एक ऑथेंटिक, नेटिव और केमिकल फ्री फूड ऑप्शंस का वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, जहां हम किसानों के साथ जुड़ के केमिकल फ्री फार्मिंग करते हैं और उन्हीं किसानों के कृषि उपज को वैल्यू एड करके आपके जैसे कस्टमर्स तक पहुंचाते हैं। अच्छा, पर फिर ये A2 क्या है? भारतीय देसी गायों का जो दूध होता है उसमें जो प्रोटीन पाया जाता है उसका साइंटिफिक नाम है A2, इसलिए इसे A2 प्रोटीन मिल्क कहा जाता है। अरे वाह। आम तौर पे हमें जो गाय का दूध मिलता है उसमें A1 प्रोटीन होता है। क्या आप जानते हैं कि हम ह्यूमंस में माँ का दूध भी A2 प्रोटीन मिल्क होता है, इसलिए हम्पी A2 मिल्क हम सबके लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल और पोषक होता है। पर मैं कैसे मानूं कि ये दूध A2 ही है और ये प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री ही है? हम्पी मिल्क एक A2 सर्टिफाइड मिल्क है। हम दूध पे 120 से अधिक पैरामीटर्स पे टेस्ट करते हैं। हमारे सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है और ये सारे टेस्ट रिपोर्ट और सर्टिफिकेट्स हमारे 4000 से अधिक कस्टमर्स को रेगुलरली देते हैं ताकि वो वेरीफाई कर पाए। वंडरफुल। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट्स में कहां और कैसे पाऊं? बहुत आसान है, हमारा एक ऐप है हम्पी A2, उसे डाउनलोड कीजिए, आपको जो चाहिए उसे सब्सक्राइब कीजिए और वो सारी चीजें डायरेक्टली हमारे फार्म से हम रोज सुबह आपके घर होम डिलीवर करते हैं। अमेजिंग, मैं तुरंत आपका ऐप डाउनलोड करूंगी। हेलो शार्क्स, मेरा नाम जयवंत है। मैं विशाल। और मैं मालविका। हम तीनों पुणे से हैं और हम्पी A2 के को-फाउंडर्स हैं। सो शार्क्स, हमारा एक एम है, जैसे हर फैमिली में एक फैमिली डॉक्टर होता है, ठीक उसी तरह हमें हर फैमिली का फैमिली फार्मर बनना है। और इसी एम को अचीव करने के लिए शार्क्स, आज हम यहाँ हमारी कंपनी के 4% इक्विटी के अगेंस्ट 75 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। थैंक यू। जयवंत, विशाल, मालविका, वेलकम टू शार्क टैंक। पहले तो नाम के बारे में बात करते हैं, बड़ा दिलचस्प नाम है। अगर आप देखोगे जो हमारी भारतीय देसी गाय होती है उसमें और जो फॉरेन ब्रीड जर्सी काउज होती है, फर्स्ट विजिबल डिफरेंस होता है हमारी गाय को हम्प होता है और इसीलिए उसके कारण हमने इसका नाम हम्पी रखा है। Very creative. ये मिल्क टेस्ट कर सकता हूँ मैं? बिल्कुल, हमारे पास। So, Sharks, अभी आपको जो सर्व किया जा रहा है ग्लास में जो है वो है हमारा A2 काउ मिल्क, आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट। उसके अलावा दो टाइप के चीज है, एक गार्लिक और एक प्लेन चीज, एंड A2 पनीर। और सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी वो है मटके में हमारा क्लासिक दही, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, कस्टमर्स का भी। ये चीज और दही बहुत बढ़िया है। एंड मैं A2 का दही या A2 का घी मंगाती हूँ घर पे, तो काफी इट्स वेरी गुड। घी कितने का आता है? सो हमारे यहाँ पे दो वेरिएंट्स है। हाँ। जो फर्स्ट वेरिएंट है वो है स्टैंडर्ड क्रीमी घी, जो ट्रेडिशनल मेथड से बना जाता है, और उसका MRP is 2000 rupees a kg। और जो दूसरा है जो वैदिक हिसाब से बनाया जाता है, बिलोना मेथड जिसे बोलते हैं, जिसमें पूरे दूध को हैंड चर्न करके फिर हम उसका घी बनाते हैं, तो वो इट इज प्राइस 3200 rupees पर kg। और आप लोग कैसे एक दूसरे को जानते हैं और पहले क्या करते थे? यूनिकेन करके पुणे में एक साइबर सिक्योरिटी में प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप थी जहाँ पे हम सब काम करते थे। विशाल हमारे बिजनेस हेड थे, मैं उनके टीम का पार्ट था। मैंने अच्छा, तो आप उनको रिपोर्ट करते हैं? रिपोर्ट करते हैं। अब आप इनको रिपोर्ट करते हैं? अच्छा, ये तो बहुत मैच्योरिटी है भाई, जनरली होता नहीं है ऐसा। मच डीपर देन दैट, मैच्योरिटी है। वेरी गुड। मैंने और जयवंत ने मिलके 2017 में द ऑर्गेनिक कार्बन की शुरुआत की। मेरी मुलाकात जयवंत से एक सॉफ्टवेयर कंपनी में हुई जिसमें मैं एक इंटर्न थी, और तब मुझे पता चला कि जयवंत खुद ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं। मुझे जब पहली बार A2 मिल्क के बारे में पता चला, देसी गाय का दूध, ये सारी चीजें पता चली, उसके बाद ही तुरंत ये जो भरवाड़ कम्युनिटी है हम उनको मिले थे। जब
बेसिकली वो लैंडलेस होते हैं. पिछले कई जनरेशन से वो सिर्फ और सिर्फ गिर गाय जो देसी गाय है उसके आसपास ही उनकी जिंदगी पूरी समेटी हुई रहती है. मैं भरवाड़ समाज में से हूँ. हम गोपालन का ही काम करते हैं कई पीढ़ियों से. हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम जब दूध बेचते हैं हमारा दूध का अच्छा दाम ना मिले वही होती है. जयवंत पाटिल साहब से हम 4 साल से जुड़े हैं. उसके बाद हमें दूध के दाम अच्छे मिलते हैं. सब खर्चा चलाने में बहुत मदद होती है. बहुत अच्छा हम महसूस करते हैं. शार्क टैंक से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं. हम जो काम अभी एक छोटे स्तर पर कर रहे हैं तो हम इस काम को बहुत बड़ी स्तर पर कर पाए. हम पीएटो एक ग्लोबल ब्रांड बने जहाँ पे हम लोग हमारे सारे जो इंडिजीनियस फूड है उसको दुनिया तक पहुँचा सकें. और एक बड़ी घटना हुई मैं मेंशन करना चाहूँगा. 2016 में जयवंत का ये जो काम चालू था आईटी इंजीनियर से ऑर्गेनिक फार्मिंग का, इसकी दखल महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने ली और 11वीं के मराठी के टेक्स्ट बुक में एक लेसन छपा जो इनकी जर्नी पे था. और उसका इफेक्ट ये है कि आगे के 4 सालों में 21 लाख स्टूडेंट्स ने वो लेसन पढ़ के, काफी सारे लोगों ने इनसे गाइडेंस लेके पर्सनली अभी फार्मिंग को करियर माना है. क्या बात है. तो ये एक हमारे लिए इंस्पिरेशन थी. वेरी नाइस. ये इंडस्ट्री में कोई क्वेश्चन नहीं है कि बहुत लार्ज है. क्वेश्चन ये है कि इतने ब्रांड बन गए हैं अभी ऑर्गेनिक ब्रांड जिसे कहते हैं, तो इसमें डिफरेंशिएशन तो वहीं आएगा मार्केटिंग और ब्रांडिंग. बिल्कुल. आप क्या सोच रहे हैं उस विषय में? तो ये जो प्रोडक्ट्स लेने वाला जो कस्टमर है उसका जो पर्सोना है वो काफी अवेयर है. वो सिर्फ दावों पे नहीं जाता है, उसको ऑथेंटिसिटी के लिए बहुत ज्यादा चीजें पूछ के तभी वो भरोसा रखता है. जो नॉर्मल मिल्क का जो रिटेंशन रेट है वो एक 50-52% के पास आता है और हमारा रिटेंशन रेट 93% है. 93%. मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि आपने ऑलमोस्ट 20 करोड़ का वैल्यूएशन मांगा है, तो सेल्स क्या है जो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करती है? तो हमने अगस्त 2017 से रेवेन्यू जनरेशन शुरू किया है. तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर का हमारा रेवेन्यू था 65 लाख, फिर बाद में 1.98 करोड़ हुआ, फिर उसके नेक्स्ट ईयर 2.02 करोड़, फिर उसके नेक्स्ट ईयर था हमारा 2.50 करोड़, और इस साल हमने 6 महीने में 2.08 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है. और हमारा प्रोजेक्शन है कि बाय दिस एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम लोग 4 करोड़ का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे. और पैसा कितना कमाओगे, क्योंकि इस बिजनेस में तो मार्जिन है ना? तो हमारे ग्रॉस मार्जिन जो है वो है 44% एवरेज, जिसमें नॉन मिल्क प्रोडक्ट जो है उसमें हमारा ग्रॉस मार्जिन 65% है और मिल्क का हमारा जो ग्रॉस मार्जिन है वो 42% है. नेट मार्जिन इस ईयर का अगर हम देखेंगे तो हमारा एबिटा 2% है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नेट आफ्टर पेइंग ऑल ऑफ अस हमने 1% प्रॉफिटेबल. ब्रेक इवन. जयवंत जी, आपका जो 2 करोड़ सेल्स है 6 मंथ्स में, उसमें डेयरी रिलेटेड एंड नॉन डेयरी रिलेटेड का परसेंटेज क्या है? तो अभी जो हमारा ये इस ईयर टू डेट का जो 2 करोड़ का रेवेन्यू है उसमें 80% मिल्क का है और 20% सारी अदर नॉन मिल्क प्रोडक्ट्स का है. विजन क्या है 2 साल में, 80-20 रहेगा या 50-50 होगा? अगले 2 से 5 साल में हम ऑलरेडी ये ट्रेंड देख रहे हैं कि मिल्क से हम ट्रस्ट बना रहे हैं, वो हमारा हीरो प्रोडक्ट है, वो ऑलरेडी सब्सक्रिप्शंस लेके आ रहा है, पर ग्रॉस मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं नॉन मिल्क में. तो हम जो देख रहे हैं उसमें 60% ग्रोसरी रहेगा और 40% मिल्क रहेगा. स्प्लिट ऑफ सेल्स क्या है बिटवीन मेट्रो एंड टीयर 2 एंड टीयर 3? नहीं, अभी फिलहाल हम सिर्फ और सिर्फ पुणे सिटी में. पुणे में आप 2 करोड़ बना रहे हैं? जी हां, सिर्फ पुणे एंड पीसीएमसी. 4 करोड़ नॉट 2 करोड़. नो, 2 करोड़ इन 6 मंथ्स. अभी आप पुणे में ये सर्विस दे रहे हैं, कल को आपको दिल्ली में ये सर्विस देना होगा तो आप कैसे देंगे? आपका फार्म तो पुणे में है. हमारा जो फार्मर नेटवर्क है वो सिर्फ पुणे में नहीं है. हमने ऑलरेडी 6 सिटीज में A2 मिल के ऐसे ग्रुप ऑफ फार्मर्स को आइडेंटिफाई कर रखा है. सही टाइम आने पर और सही फंडिंग मिलने पर हम लोग ये 6 सिटीज में एक साथ शुरू कर सकते हैं. ये 6 सिटीज कौन सी है आपने कहा? मुंबई, पुणे, दिल्ली, अहमदाबाद, बैंगलोर एंड चेन्नई. आपने 2 करोड़ 6 महीने में सिर्फ पुणे में बनाया, दैट्स फैंटास्टिक. तो अगर आपको नॉन डेयरी 20-60% लेके जाना है और ये नॉन डेयरी कंपोनेंट जो है वो इतना मिलता है बाकी सिटीज में, पुणे में मैं आपको 10 ब्रांड्स बता दूंगी, तो वो मुझे कुछ डिफरेंशिएटर दिख नहीं रहा है. और वो एक सर्टन साइज का बनेगा, बियॉन्ड दैट कितना स्केल करेगा आई एम नॉट वेरी श्योर. And उसकी वजह से आई एम आउट. थैंक यू.
I appreciate. जय, डेयरी प्रोडक्ट में प्राइसिंग पावर बिल्कुल नहीं है कंपनी। अगर आप चाहो तो एक नीश बिजनेस बना सकते हो, एलीट को बेच के। आपको फंडिंग की जरूरत है, आप उसको बनाइए, प्रॉफिट जनरेट कीजिए और पैसे कमाइए एंड बिल्ड अ नाइस रिस्पेक्टेबल बिजनेस। फंडिंग के राउट जाते हो तो आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स करने पड़ेंगे मार्केट एक्सपेंशन के लिए, और वो जैसे जैसे आप करोगे आपको वही जो ए टू का आपका डिफरेंशिएटर लेके आए थे, दैट इज गोइंग टू गो अवे, यू हैव ऑलरेडी डिस्कवर्ड दैट। तो इसी वजह से मैं आपसे आज नहीं जुड़ पाऊंगा, बट गुड लक, आई एम सॉरी। थैंक यू, वी अप्रिशिएट। तो मेरी ऑफर है 50 लाख फॉर 10% इक्विटी और 25 लाख लोन फॉर 12% इंटरेस्ट। मेरे को ऑफर करना चाहता हूँ मैं। एक मिनट, मैं भी ऑफर करना चाहती हूँ। मैं इससे रिलेट कर पाती हूँ क्योंकि जब मेरे घर पे कोई भी चीज़ ऑर्गेनिक नेचुरल ये सर्टिफिकेशंस के साथ आती है ना, तो मेरे घर में मेरी दादी मेरी मम्मा बहुत खुश हो जाती है कि यार ये प्योर है, इसको पीना है ना? मेरे हिसाब से इसमें टेक्नोलॉजी लगेगा, दुनिया कर रही है ये काम। इंटरनेट पे अगर मैं डालता हूँ ए टू मिल्क, तो 36 कंपनीज खुलती हैं पर सबका यूजर एक्सपीरियंस बिल्कुल बेकार है। पीयूष, आप हर कंपनी में टेक्नोलॉजी का सेल्स कर सकते हैं। आप कितनी कंपनी की टेक्नोलॉजी बनाओगे? एक पीयूष 100 कंपनी की टेक्नोलॉजी। नहीं, मैं बना नहीं रहा हूँ। मेरा एक व्यू है लाइफ में, अगर चीजों को स्केल करना है और इम्पैक्ट लाना है बड़ा, टेक्नोलॉजी के बिना इम्पॉसिबल है, राइट? बिकॉज प्रॉफिट जो आपको बनाना है ना, वो दो चीजों से बनता है। वो बनता है वर्ड ऑफ माउथ से और बनता है एफिशिएंसी से। वर्ड ऑफ माउथ आता है कस्टमर एक्सपीरियंस से, कस्टमर एक्सपीरियंस आता है टेक्नोलॉजी से, एफिशिएंसी आती है ऑटोमेशन से, ऑटोमेशन आती है टेक्नोलॉजी। तो मेरे लिए तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, टेक्नोलॉजी पे अगर आपका फोकस है तो ही मैं इसमें आना चाहूंगा और वहीं मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। बाकी तो आपको बहुत आता है। आप ऑफर बना रहे हो कि नहीं बना रहे? पहले मैं आपका ऑफर सुनना चाहता हूं। मेरा रोक के बैठो आप। तो मैं पीयूष की बात से वैसे बिल्कुल सहमत हूँ कि टेक्नोलॉजी साइड पे यहाँ पे काफी काम की जरूरत है। मेरा ऑफर है 75 लाख, बट नाउ द वैल्यू दैट आई ब्रिंग इन, मैं उसका परसेंटेज आपको बताती हूँ। आई विल टेक 10% ऑफ द इक्विटी। मेरा भी सेम ऑफर है, 75 लाख 10%। तो तीन ऑफर है आपके। गजल, आपको बराबर बांटना है, साथ करना है। अच्छा, मैं और गजल साथ करने के लिए रेडी है 5-5%। B2C के एक्सपर्ट्स, पर्पस ड्रिवन ब्रांड बनाने वाले लोग जो प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, जो आपकी USP है, प्लस टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज, इट्स अ स्टील डील। Thank you. Can you take a moment? यार मेरे को भी ले लो डील में। 15% ले लो, 1 करोड़ रुपए देके 15% ले लो, हो जाए, सबके पैसे कम लगेंगे। आपने टाइम लिया तो हमने भी थोड़ा टाइम लिया है। एक ऑफर और प्रिपेयर हुई है बिकॉज विनीता भी एक्साइटेड है। आपके पास दो ऑफर्स हैं। एक है आप 75 लाख 10% ले सकते हैं, जो मैं और गजल डिवाइड करेंगे। एक है आप 1 करोड़ 15% ले सकते हैं, जो मैं गजल और विनीता डिसाइड करूंगा। आपको तीनों शार्क्स मिलेंगे, तीनों का टाइम मिलेगा। सो मच आप तीनों को, आपने इतना अच्छा ऑफर दिया है। तो डील पक्की आप तीनों के साथ। मैं आपको एक बात बताता हूं, वैसे जयवन, आपने मुझे बताया नहीं था आपको क्या डील चाहिए। मैंने चेक 33,33,000 का बना दिया था। एंड दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट दिस डील, दैट आई कैन प्रिडिक्ट हाउ यू आर थिंकिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो ऑल राइट, कांग्रेचुलेशंस। कांग्रेचुलेशंस, आई थिंक लंबी रहेगी थोड़ी जर्नी। All right, guys, all the best. Thank you. Thank you. Thank you.
नमस्कार. नमस्कार. मैं जमजीर अहमद 33 साल का हूँ. मैं जमीला रूही 26 साल की हूँ. और हम मैंगलोर से बिलोंग करते हैं. शख्स हम लेकर आए हैं एक ऐसा बिजनेस जिसपे आपको मिलेगा कुनाफा के साथ मुनाफा. हम कुनाफा वर्ल्ड के को फाउंडर्स हैं. मीठा खाना किसको नहीं पसंद है, और खासकर इंडिया में इतने सारे त्योहार जैसे कि ईद, दिवाली, क्रिसमस मनाए जाने के कारण हर घर में मीठा तो बनता है बॉस. और जब मीठे की बात हो तो हमेशा रसगुल्ला, गुलाब जामुन, बूंदी लड्डू, रबड़ी ये सब खाए जाते हैं. हम आपको पेश करते हैं एक नया डेजर्ट जिसका नाम है कुनाफा. शख्स कुनाफा एक मिडल ईस्टर्न डेजर्ट है जो फाइन सेमोलिना डो से बनाया जाता है और जिसको हम शुगर सिरप के साथ सर्व किया जाता है. कुनाफा एक 100% वेज डेजर्ट है और कुनाफा वर्ल्ड में आपको 15 से ज्यादा वेराइटीज के कुनाफास मिलेंगे, जिनमें आपको मिलेंगे स्निकर्स कुनाफा, बाउंटी कुनाफा, ओरियो कुनाफा, नटेला कुनाफा, असॉर्टेड मिनी कुनाफा, बहुत सारे कुनाफास. हमारे कुनाफास में जो क्रीम जाता है वो बहुत हाई क्वालिटी इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है. इसे हम हमारा सीक्रेट सॉस कहते हैं और जिसकी रेसिपी सिर्फ मेरे पास है. उनके पास भी नहीं है. हमारे पास. 2 सालों में हमने 2 लाख से ज्यादा कुनाफास बेचे हैं. हम चाहते हैं कि अगले कुछ सालों में हर रोज 10,000 से ज्यादा कुनाफास बेचे जाए. हम यहाँ पे आपसे 5% की इक्विटी के बदले में 90 लाख की मांग करने के लिए आए हैं. तो कौन गर्मा गर्म कुनाफा खाना चाहता है और कुनाफा को इंडिया का नया डेजर्ट सेंसेशन बनाना चाहता है? तो शख्स कुछ कुनाफा हो जाए प्लीज. बिल्कुल. थैंक यू. मुझे मीठा बहुत पसंद है. कितने किस्म के कुनाफे लाए हो आज? अभी तो फिलहाल हम लोग 15 से 3 कुनाफा को असॉर्टेड बना के आपको खिला रहे हैं. थैंक यू. क्यों, ये क्या है? दिस सिरप है. यस. शुगर सिरप. यस. इसको सिरप को इसके ऊपर डालते हैं कि साइड में? ऊपर डालते हैं. जितना आपकी मर्जी, जितना आप स्वीट चाहते हैं उतना डाल सकते हैं. यूजुअली चॉकलेट टॉपिंग्स में हम ज्यादा सिरप नहीं डालते. तो मैंने तो जिंदगी में पहली बार खाया है ये. दिस वाज डिलीशियस. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. फैंटास्टिक टेस्ट. मजा. थैंक यू सो मच. इसको वो टर्किश डिजर्ट होती है वैसी टाइप की है ना? इसका ओरिजिन टर्की से ही होता है सर. जो हमने आपको सर्व किया है वो हमारे ब्लेंड से हुआ है. थोड़ा ट्वीक करके हमने कुनाफास बनाए हैं, क्योंकि जो मिडल ईस्ट में सर्व करते हैं बहुत स्वीट रहता है, जिसको बैलेंस करने के लिए कॉफी या उसके साथ पिया जाता है. ये क्रिएटिविटी कहाँ से आई? तो बेसिकली क्या हुआ कि 2018 में जब मैं लंच पे बैठा था तो मैडम ने मुझे डेजर्ट खिलाया. तो मैडम बहुत पैशनेट बेकर है. मैडम मतलब क्या? माय वाइफ. आई जस्ट वांट टू मेक श्योर. माय वाइफ. क्योंकि मैं भी अपनी वाइफ को मैडम ही बोलता हूं. रिस्पेक्ट देना पड़ता. थैंक यू सो मच. तो रूही ने जब मुझे ये डेजर्ट खिलाया, कभी भी मैं खाया नहीं हूँ कुनाफा और कभी भी सुना भी नहीं था. तो मैं थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग और फूड में थोड़ा एंथुसियास्ट था. तो मैंने क्या किया, थोड़ा गूगल उसमें सर्च किया. तो मैं देखा कि गूगल में इंडिया में तो बहुत कम है, ये इसके बारे में कुछ जानता ही नहीं है. तो मैं सोचा इसमें थोड़ा पोटेंशियल रहेगा. तो सिंस मैं थोड़ा सोशल मार्केटिंग में अच्छा था, मैं इनको मैडम को आइडिया दिया कि हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग में इसको बेचने के लिए स्टार्ट करेंगे. तो हमने ब्रांड स्टार्ट किया बेक एंजल बोल के, होम बेकिंग सर्विस. कब? ये 2018 में जुलाई में हम लोग स्टार्ट किया. एक बार लोगों ने जो ट्राई किया, दे स्टार्टेड बिकमिंग रिपीटिंग कस्टमर. देन हमारा एक करीबी दोस्त हफीज कुदरली है, तो उन्होंने एक आइडिया लेके आया, चलो हम लोग इसको कमर्शियल बनाएं. तो उन्होंने हमारे साथ पार्टनर बनके हम लोगों ने साथ में बैंगलोर में हमारा फर्स्ट आउटलेट हमने स्टार्ट किया. और उसके सक्सेस के बाद 3 और आउटलेट हमने बैंगलोर में स्टार्ट किया. और उसके सक्सेस के बाद 5 और आउटलेट बैंगलोर से बाहर हमने पूरे इंडिया में स्टार्ट किया. अब ये कुनाफा से मुनाफा आप दोनों फुल टाइम कर रहे हैं? यस मैम, ये अभी हमारा फुल टाइम है. आई एम अ टेलीकॉम इंजीनियर एंड शी इज अ कंप्यूटर साइंस इंजीनियर. तो जमशेर, काफी फटाफट आप बिजनेस को स्केल कर रहे हैं, अभी क्या प्लान क्या है? हम लोगों का विजन है पैन इंडिया के लिए, बाद में ग्लोबली आल्सो वी वांट टू गो. हालांकि ग्लोबल में बिकता है कुनाफास, लेकिन हमारा ब्लेंड अलग ही है. तो एक स्टोर का कैसा यूनिट, मतलब स्टोर की जो कितना बनाते हैं और कितना रेंट होता है और कॉस्ट ऑफ रनिंग होता है? अराउंड 600 to 800 square feet का स्टोर रहता है. इतना बड़ा स्टोर? हाँ, क्योंकि वो जो फ्लैगशिप स्टोर, 5-10 ही SKU है, इतना बड़ा स्टोर क्यों खोल रहे? वो फ्लैगशिप स्टोर है मैम, हम लोग लाइव ऑफिस जैसे उसको देखते हैं. हम लोगों को उधर से बनाना पड़ता है डेली डे टू डे बेसिस, ताकि हमारा नजदीक जो आउटलेट, वहीं पे किचन है आपका? करेक्ट मैम. सब में अलग. जहाँ पे हमने पहले स्टार्ट किया तो पहले इन द स्टोर था, अभी हमने जिसे एक्सपेंड किया हमारा सेंट्रल किचन भी हमने बनाया. अगर सेंट्रल किचन है तो आपको 600 से 800 square feet की क्या जरूरत? सर जो हमारा फ्लैगशिप स्टोर था ये उतना बड़ा था.
बाकी स्टोर कितने बड़े? बाकी स्टोर के साइजेस इज अराउंड 300 टू 500 स्क्वायर। आप सीटिंग देते हैं क्या वहाँ पे? बिठाते हैं लोगों को? एक 12 टू 15 सीटिंग, क्योंकि रेस्टोरेंट टाइप्स मॉडल। एग्जैक्टली, पहले से बना के रखते हैं इसे सेंट्रल किचन में और शिप कर देते हैं? नहीं सर, सेंट्रल किचन से हम लोग रॉ मटेरियल्स बना के बेचे हर एक आउटलेट के लिए। एवरीडे बेसिस हमारा उधर प्रिपेयर होता है द रॉ बेस, और जब ऑर्डर आता है उसके ऊपर हम लोग फ्रेश प्रिपेयर करके देते हैं। सो एवरीडे इज अ फ्रेश हम लोग खिलाते हैं कस्टमर्स को। तो ये मॉडल से तो मुनाफा तो नहीं हो रहा होगा? हमारे खुद के आउटलेट जो है 4 है अभी, उसमें से 4.5 CR का रेवेन्यू। 2 साल का रेवेन्यू कि 1 साल का? जुलाई 2019 से अब तक, तो मार्च 2020 तक हमारा रेवेन्यू था 55 लाख, और अप्रैल 2020 से वो सेकंड फिस्कल का हमने 2 और आउटलेट डाला, फिर पैंडेमिक हुआ, 3 फ्रेंचाइजीज दिए थे, लेकिन हमारे खुद के आउटलेट में से 2 CR का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अभी मार्च 2021 से अब तक 1.7 CR का रेवेन्यू जनरेट। नॉट बैड, नॉट बैड। पिछले महीने का क्या सेल्स था और क्या प्रॉफिट? पिछले महीने का हमारा सेल्स था 30 लाख। प्रॉफिट 30% नेट प्रॉफिट है, और अराउंड 50% का GPM। फ्रेंचाइजी से कुछ रेवेन्यू आया कि नहीं? फ्रेंचाइजी एक्चुअली हम लोग फ्रेंचाइजी फीस आए थे और रॉयल्टी भी आए थे, तो फ्रेंचाइजी फीस हमने वो साल कलेक्ट किया था। द सेकेंड ईयर में हमारा 17 लाख का फ्रेंचाइजी ब्रांड फीस आया है। इस साल अभी हमने 2 और फ्रेंचाइजीज दिए हैं मुंबई और मैसूर में, तो इस साल का ब्रांड फीस हमने जो कलेक्ट किया है वो है अराउंड 13 लाख, और रॉयल्टी 4.5 लाख का रॉयल्टी फीस आया। समझिए जमीला, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आप फ्रेंचाइजी क्यों कर रहे हैं। मैंने थोड़े नंबर्स रन किए, आपको एक फ्रेंचाइजी से ज्यादा 15-20 हज़ार रुपये महीने का आएगा, तो आप मुनाफा का खून क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक्चुअली सोच रहा था मुनाफा का मतलब ही होता है तो, और आपके मॉडल से वही होगा, क्योंकि 15-20 हज़ार रुपया एक फ्रेंचाइजी क्या मायना रखता है? करेक्ट सर, एक्चुअली दोनों बिजनेस बैकग्राउंड से नहीं है सर। तो जब हमने ये स्टार्ट किया तो पहला आउटलेट जब शुरू हुआ तो बहुत सक्सेसफुल गया, लेकिन ऐसा भी था कि बहुत सारे लोग इस सक्सेस को स्टार्ट करना चाहते थे, लाइक दे वांट टू कॉपी एंड डू द सेम थिंग, और दो लोग दे हैड स्टार्टेड आल्सो लुकिंग एट आवर द कॉन्सेप्ट। सिंस थोड़ा स्टार्टअप था, मैंने सोचा कि 2-3 फ्रेंचाइजीज अगर हम लोग देंगे तो एक ब्रांड जैसा बन जाएगा, एंड देन इट विल बी इजी फॉर अस टू फ्लोट आवर ओन डायरेक्ट। नहीं, वो तो सही है सोचना आपका, और आपने सही उस वक्त के लिए किया। Correct. लेकिन तब तक से समझ में तो आ गया होगा ना आपको कि उससे हम ज्यादा पैसा नहीं बना सकते, और अभी अभी आपने कहा जमीला शायद कि आपने रिसेंटली 2 और फ्रेंचाइजी किए हैं। हाँ। तो अगर समझ में आ गया कि वहाँ पैसे नहीं बनेंगे तो फ्रेंचाइजी बिजनेस क्यों बढ़ा रहे हैं? सर एक्चुअली समझ में आ रहा था सर, जस्ट दैट कि हम लोगों को एक प्रॉपर मेंटरशिप चाहिए था सर, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपसे। कैपेक्स अपने आप जेब से डाले हैं 4 स्टोर में? हाँ। कितना डाला है? तो अभी तक हम लोगों ने 70 लाख तक डाले। तो बहुत महंगा है कैपेक्स, तो आप इसलिए आप नहीं कर पा रहे। एक्चुअली आपका जो अभी तक सक्सेस मिला है वो मिला है आपके रेस्टोरेंट में, जो एक उसकी स्टार्टिंग कॉस्ट एक रेस्टोरेंट की काफी होती है, बिकॉज एम्बियंस क्रिएट करना होता है। Correct. और एक रेस्टोरेंट में चैलेंज ये होता है कि अगर एक टाइप का फूड दे तो कंज्यूमर बियॉन्ड द पॉइंट बोर हो जाता है, बिकॉज रेस्टोरेंट में चाहते हैं जाके 2-2.5 घंटा स्पेंड करना। तो ये जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑफ अ स्पेसिफिक कैटेगरी, अ नैरो डिजर्ट कैटेगरी है, वो मुझे एज अ बिजनेस लगता है अभी इतना स्केलेबल नहीं है, क्योंकि जितना स्केल करना पड़ेगा उतना कैपेक्स डालना पड़ेगा, और जब नहीं चलता है तो उसकी रिकवरी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस वजह से मैं बाहर हूं। मैं तो यही एडवाइस दूंगा आपको कि आप इसे एक स्विगी जोमैटो मॉडल पे ले जाइए, खर्चे कम से कम कीजिए। अच्छा, है ना? मैं आज आउट हूँ। इन्होंने जो एडवाइस दिया है कि रादर देन QSR एक डार्क किचन मॉडल पे जाइए, कस्टमर्स रिव्यू लाइए, रेडी टू ईट का भी काफी, इफ यू कैन गेट द टेक्नोलॉजी, गेट द शेल्फ लाइफ, दिस इज अ वेरी यूनिक प्रोडक्ट जो आप रिटेल आउटलेट्स ऑनलाइन पे कोलैबोरेशन करके यू नो इट कैन बिकम अ बिग ब्रांड, बट करंट फॉर्म मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगता है और उसके वजह से मैं आउट हूँ, बट ऑल द वेरी बेस्ट। वन मोर थिंग सर, एक्चुअली इसके साथ हम लोग एक्चुअली बेवरेजेस भी ऐड करने वाले हैं। मत कीजिए, बिल्कुल मत कीजिए। लेस इज मोर, फोकस फोकस। मैं भी अपना फैसला सुना देती हूँ। ये खा के मुझे उतना मजा नहीं आया। मुझे लगा ये बहुत ज्यादा मीठा था, इवन
मेरे लिए जिसको मीठा पसंद है, मैं उसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ जहाँ मुझे प्रोडक्ट समझ आता है, जहाँ मुझे प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो उस वजह से मैं आउट हूँ। मेरे हिसाब से देखो, मैं मुझे तो प्रोडक्ट अच्छा लगा, मीठा है, ऐसी और प्रूफ आपके रेवेन्यू में है, तो मुझे मॉडल में कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है एज फार एज रिटेल इज कंसर्न। आई थिंक आप जो ये फ्रेंचाइज मॉडल कर रहे हैं ना, मुझे लगता है आपको करना चाहिए, पर आपका मॉडल में प्रॉब्लम है। अच्छा, 7.5 लाख रुपए इज अ बिग अमाउंट फ्रेंचाइजी फी, और आप अपने लिए बैरियर बना रहे हैं। आप 1 लाख रुपए फ्रेंचाइजी लीजिए और रेकरिंग इनकम बनाइए अपनी। अच्छा। आप 40-50 आउटलेट खोल लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इन्वेस्टमेंट रेस कर सकते हैं, बट ये इन्वेस्टेबल बिजनेस है ही नहीं अभी, और मेरे को नहीं लगता आपको कुछ भी बदलने की जरूरत है। आई डोंट नो आप क्यों रेडी टू ईट में जाएंगे। अच्छा। और क्यों नई नई कैटेगरीज, इसी को आप और बेटर बनाएं। सोशल मीडिया का आपका एक्सपीरियंस है, उसके थ्रू प्रोडक्ट ट्रायल्स कीजिए, नए नए प्रोडक्ट्स लाइए, थोड़ा सा टेस्टिंग करिए, कुछ इवेंट्स करिए अपने स्टोर्स पे, ठीक है? इतना प्रॉफिटेबल मॉडल है, आपको डेट मिल जाएगा। आप दे दो डेट और इक्विटी का ऑफर। मैं पूछने लगी थी, आप दे रहे हैं क्या? मैं ऑफर इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि मैं फूड कैटेगरी में जो है इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं आपको हेल्प करना जरूर चाहूंगा। मॉडल आपका अच्छा चल रहा है। एक अच्छी बात ये हुई है कि आपको बहुत ही अच्छा फीडबैक मिला है आज। अभी कोई कह रहा है कि ओनली डार्क किचन करो, ये कह रहे हैं कि नहीं आपका करंट मॉडल प्रॉफिटेबल है वो रखिए। आपको आपके गट इंस्टिंक्ट से जाना है कि आप किसके बारे में ज्यादा पैशनेट हो, बट यू हैव गॉट एक्सेलेंट फीडबैक, तो आप उसके बारे में सोचिए। एंड ऑल ऑफ अस जॉइंटली विश यू द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट।